दिया। ठीक है, हेडिंग डालो स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सी मीनिंग बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है जो ये बताता है कि आपका जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड मीन है उससे एक डिफरेंट वैल्यू क्या आ सकती है। दैट्स इट। जैसे क्या होता है, कई बार आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, सपोज करो टीचर एक बार बोल दे कि आप एक बार री एग्जाम दे दो, तो जब आप री एग्जाम दोगे तो आपके आंसर्स में कुछ तो डिफरेंस आएगा। सही बात है कि गलत बात है? आप जब दोबारा किसी चीज का एग्जाम दोगे तो सेम आंसर लिख के आ पाओगे कि आंसर थोड़ा चेंज होगा, ये बताओ। मेरी आवाज आ रही है आपको? चेंज होगा। मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो आपने एक पेपर दिया, आपने पूरा पेपर लिखा, नंबर आ गए, अब आपकी टीचर बोलती है री एग्जाम दो, आप डिट्टो वही उतार क्या सकते हैं जो आपने पिछले पेपर में किया था, नो सर। है ना? कहीं ना कहीं तो चेंज आता है, डिफरेंस आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है जो हमें डिफरेंस बताता है फ्रॉम ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे एक डिफरेंट वैल्यू जो होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, अपने को इसकी थियोरी में तो जाना नहीं है, मुद्दे की बात, न्यूमेरिकल के फॉर्मूला लिखो और ध्यान रखो। ठीक है, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, आप पूरा स्टैटिस्टिक खत्म कर डाले हो, क्या थोड़ी ना बताऊंगा इंडिविजुअल क्या है। अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसको बनाने के दो मेथड है। एक तो या तो आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, इसमें एक्चुअल मीन का यूज होगा, या तो आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज करो, इसमें अज्यूम्ड मीन होगा। इसमें अज्यूम्ड मीन होगा। तो चलिए आपको मैं बता दे रहा हूं क्या है फॉर्मूला, आप लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर सबमिशन एक्स अपॉन एन, रूट ओवर सबमिशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये है अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हो तो, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हो तो ये फॉर्मूला है रूट ओवर समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, कर दिए क्या, एक्स स्क्वायर कर देना ज्यादा बेटर होगा। और यदि आप इनडायरेक्ट मेथड से जाते हो तो फॉर्मूला है रूट ओवर समीशन डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डीएक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। आप ये नोट करिए, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है तो, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मेथड से जा रहे हो तो समीशन डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहां पे भी यार इसको ऐसा कर दो वरना कंफ्यूज होगे बाद में, ये नोट डाउन करो। नोटेड हो जाए तो बताना सर ये नोट हो गया। चल हो गया हो गया नोट? ये से। ओके, अब अगर अपनी सीरीज डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इसमें भी फिर से वही करेंगे अपन, डायरेक्ट मेथड यूजिंग एक्चुअल मीन, यहां पे मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट मेथड, इसमें मीन निकालना नहीं पड़ता, अज्यूम किया जाता है, यूजिंग अज्यूम मीन। आप नोट करिए, यूजिंग अज्यूम मीन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर
समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। करिए, लिख लीजिए। जब हो जाए तो बताना सर, कर दिए। नोटेड। लिख दिए क्या? Yes, sir. हो गया। सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। आज हम इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन बना रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिख दिया, अगर डायरेक्ट मेथड से जा रहे हो तो क्या फॉर्मूला है? रूट ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और यदि आप इनडायरेक्ट मेथड से जा रहे हो तो फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। हियर डी एक्स का मतलब क्वेश्चन में ही बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स 3, 5, 2, 8, 2। अब बोल रहा है इसका क्या कैलकुलेट करो? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। आप बताओ सम टोटल क्या आ रहा है? सम टोटल क्या आ रहा है बताओ? बोलो। 20 आ रहा है। आप ध्यान से सुनो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप जाते हो डायरेक्ट मेथड से तो आपको एक्चुअली मीन निकालना होगा। बताओ मीन कितना आ रहा है इसमें? मीन कितना है? 24 अपॉन 5, 4 मीन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाते हो तो आपको मैंने बोला था एक्चुअल मीन निकालो। तो इसका काम क्या होगा? यहां पर आपको निकालना होगा dx, ठीक है। तो आपका dx क्या क्या आएगा? तो जितनी x वैल्यू है उससे आप क्या करो, अपने मीन को माइनस कर दो। अपने मीन को माइनस कर दो। क्या आ रहा है बताओ? क्या क्या आ रहा है बोलो? आप अभी डायरेक्ट मेथड ही बना रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में मैंने बोला है एक्चुअल मीन का यूज होता है, ठीक है। अब आपने नीचे मीन निकाल लिया, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको dx निकालने के लिए हर x वैल्यू को अपने मीन से माइनस करना है। कितना कितना आ रहा है बोलो? माइनस। हाँ, और आगे? 1। और माइनस 2। और 4। और माइनस 2। अब यहां निकाल लो तुम dx स्क्वायर, कितना कितना होगा? 1, 1, 4, 16, 4, यही होगा। तो तुम्हारा समीशन dx स्क्वायर कितना आ रहा है? 26, राइट? 26 तुम्हारा dx स्क्वायर आ रहा है। तुम डायरेक्ट मेथड से जब गए तो तुम्हारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। डी एक्स स्क्वायर है 26 अपॉन एन है 5, तो ये आपका हो रहा है रूट ओवर 5.2, ठीक है। अब 5.2 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आपका होगा 2 point something something आएगा। मोबाइल से निकालो लगे तो कितना आ रहा है मेरे को ही बताना। 2.280। आप ये बताओ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से निकालना समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट मेथड से निकालते बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन, ये बताओ। आपको मीन निकालना है, क्वेश्चन है। मीन के बेसिस पर आप dx और dx स्क्वायर निकलेगा, दैट्स डायरेक्ट मेथड। कितना क्लियर है?
क्या आपको ये क्लियर है? श्रेयान समझ आया? शकीना समझ आया? अब इसी क्वेश्चन को मेरे को इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, तो अगेन मैं क्वेश्चन देता हूं, मेरे मार्क्स है 3, 5, 2, 8, 2। अब आप किस मेथड से निकालने की बात कर रहे हो? इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे हम मीन नहीं निकालते, हम अज्यूम करते हैं, यूजिंग अज्यूम मीन। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू बेटा अज्यूम कर दो। क्या अज्यूम करोगे आप? क्या अज्यूम करोगे बोलो? चलो टू अज्यूम करके कर दो। बोलो डीएक्स कितना कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे? थ्री आएगा। और जीरो जीरो, फिर सिक्स, फिर जीरो। ठीक है, डीएक्स स्क्वायर कितना कितना आएगा? वन नाइन नाइन थर्टी। ठीक है, अब इधर टोटल करो आप, डीएक्स का टोटल कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। ठीक है, डीएक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है आपका? 46 आ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समिशन डीएक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास dx स्क्वायर है कितना? 46 अपॉन n 5, ये हो गया, माइनस समीशन dx कितना? 10 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इधर आप करोगे जब 46 अपॉन 5 तो ये आपका कितना आने वाला है? 9.2 माइनस 10 अपॉन 5 2 का स्क्वायर 4, 9.2 माइनस 4, तो ऊपर के फिगर पे आप आ जाओगे 5.2 पे। अब 5.2 का स्क्वायर रूट ऊपर आपने निकाल दिया है, 2 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? 280। आप बोलिए इस पे कोई परेशानी? आप बोलो इसमें कोई दिक्कत? आपको समझ आया? तो इजी कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड की डायरेक्ट मेथड? कौन से मेथड से आप करोगे? आप किस मेथड से करना चाहोगे, डायरेक्ट मेथड की इनडायरेक्ट मेथड? बोलो डायरेक्ट, वो आपकी चॉइस। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों मेथड से बना के दो मेरे को क्या आंसर आ रहा है। आपको एज दी है कुछ लोगों की 3, 15, 12, 17, 13, बनाइए इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से बना के दो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। यू कैन यूज योर मोबाइल, मुझे आंसर चाहिए। दोनों मेथड से आप बना के दो इसको मेरे को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आंसर बताना क्या आ रहा है? जब हो जाए तो बताना। क्या आंसर आया बेटा? मीन कितना है पहले ये बताओ मेरे को। 12। चलो आगे बनाओ फिर, डीएक्स कितना कितना रहा फटाफट निकालो। दोनों मेथड से सेम आएगा ना?
सर डायरेक्ट मेथड से आ गया, इनडायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। टफ है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन टफ लग रहा है आपको? आया ना, बोलो। नो सर। कितना है बताना मेरे को, दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा? दोनों मेथड से हो गया 4.81 आ रहा है, कॉन्फिडेंटली आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं सभी लोग का? चल फटाफट बोल टोटल क्या आ रहा है इसका, सबमिशन एक्स कितना, एज का टोटल, एज का टोटल कितना है? 60। मीन कितना आ रहा है? 60/5 12। तो अगर डायरेक्ट मेथड से जाऊंगा तो मेरा dx क्या आ रहा है, dx2 क्या आ रहा है बताओ, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से गया तो? -93051 dx square क्या आ रहा है? 81905051 टोटल बोलो कितना आ रहा है dx square का? 116 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है मेरा dm डायरेक्ट मेथड से अगर करूं तो? रूट ओवर समीशन dx square अपॉन n, तो 116/5 कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 23.2, यही हो रहा है। और आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4.81 आ रहा है। इसी को अगर मैं आईडीएम इनडायरेक्ट मेथड से करता तो क्या होता, इनडायरेक्ट मेथड से मेरा dx क्या आता, तो मैं एक वैल्यू अज्यूम कर देता, 3 अज्यूम करके करता जैसे मैं, तो मेरा क्या क्या होता, 0, 12, 9, 14, 10 और मैं इसका स्क्वायर करता dx स्क्वायर, तो कितना कितना था, 0, 144, 81। 14 का स्क्वायर कितना होता है 200, कितना होता है बोलो, 14 का स्क्वायर कितना, 196 और 100। dx स्क्वायर का टोटल कितना है बताओ, और dx का टोटल कितना है बताओ, बोलो बोलो। आप लोग भी इसी से कर रहे हो, 3 को अज्यूम लेके कर रहे हो ना, 521। dx स्क्वायर का टोटल 521 और dx का टोटल 45। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर, तो अपना dx स्क्वायर अपॉन n कितना है, 45/5। अरे यार व्हाट आई एम डूइंग, चलो कितना है, 521/5 माइनस 45/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 521/5 करने से कितना आ रहा है आपका बताओ, कितना आ रहा है, 104.2 माइनस 81 कितना हो रहा है, ये 23.2 पे वापस पहुंच गए, तो 23.2 के हिसाब से आपका आंसर क्या आया, 4.81। कैसा लग रहा है इसको बनाकर, आप ये बताओ, आपसे बन रहा है, आया ना? Yes. चलो अगला क्वेश्चन फटाक से बना के दो, x वैल्यू दी हुई है 6, 9, 8, आवाज आई कहीं से, 6, 9, 8, 7, 30 बनाइए।
आंसर बोलो क्या आ रहा है। सर 9.05 दोनों मेथड से? नहीं अभी एक से हुआ है, दूसरे से ही कर लो। आ जाए तो बताओ। श्रेयान, शकीना, काशिश, सर 9.05 दोनों में हेड से आ गया क्या? यस सर। क्या कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है? हाँ या ना? यस सर बन रहा है। ये बताओ मेरे को, तुम लोग को मैंने जो इंट्रोडक्शन है पूरा कलेक्शन ऑफ डाटा तक करवा दिया है कि नहीं करवाया? हाँ या ना बताओ। ये हो गया है पूरा सेंसस सैंपल तक? यस सर हो गया। चलो मेरे को ये बताओ, तुमको प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है कि नहीं बताया है? यस सर। ये हो गया हमारा पूरा पाई को छोड़ के सब हो गया है ना? मेरे को बताओ मीन मीडियन मोड हो गया तुम्हारा? यस सर। अच्छा यस सर। तुम्हारा कोरिलेशन हो गया है? यस सर। यस सर कोरिलेशन हो गया। अभी तुम्हारा क्या चल रहा है? अब इसके बाद अगर ये तुम्हारा परसों खत्म हो जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर तुमको कराने को मेरा क्या बच रहा है? एक तो पाई डायग्राम बताना बच रहा है, कुछ और छूटेगा तो बताना। मैं मेरे हिसाब से ये बच रहा है आपका पाई डायग्राम, इंडेक्स नंबर वही बता रहा हूँ मैं, जो जो मैं बच रहा है मेरा लोरेंज कर्व बच रहा है और इंडेक्स नंबर। इसके बाद तुम्हारा पूरा स्टैटिस्टिक का सिलेबस क्या हो जाने वाला है? खत्म सर। डिस्पर्शन? डिस्पर्शन पूरा यूनिट है बेटा, यूनिट मतलब क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, वो तो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारा आपके सिलेबस से हटा दिया है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके सिलेबस छोड़ा है कोरिलेशन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो हमने कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. आपके क्लास 11 के सिलेबस से बाकी चीजें डिलीट हो चुकी हैं, वरना मैं आपको क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन सब पढ़ाया रहता, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया तो मेरे को उसको नहीं पढ़ाना आपको। ठीक है, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको पाई पढ़ाना है, लोरेंस कर्व पढ़ाना है और इंडेक्स नंबर पढ़ाना है। समझ आई मेरी बात? ये हम लोग करने वाले। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो आप ये करो, कल हम लोग 11 बजे मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। ये करो आप।